नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रम पर। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी की खबरों के बीच तालिबान से एक बार फिर से देश के एक बड़े हिस्से पर तालिबान के कब्जे की खबर आ रही है, और यहाँ तक कि भारत को दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार में अपने कॉन्सुलेट के सभी भारतीय स्टाफ को सुरक्षित निकालने का फैसला करना पड़ा। और ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान कंधार पर फिर से कब्जे के बिल्कुल करीब है। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जर्नलिस्ट रंजीत कुमार जी मौजूद हैं, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार नव भारत टाइम्स के डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं। स्वागत है रंजीत जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो रंजीत जी, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कंधार में जो भारतीय कॉन्सुलेट है वो अफगानिस्तान में भारत के चार कॉन्सुलेटों में से एक जी है। जलालाबाद, हेरात, कंधार और मजारे शरीफ। जलालाबाद और हेरात में जो भारत के कॉन्सुलेट हैं, पिछले साल ही वहां से भारत ने अपने स्टाफ वापस बुला लिए थे, क्योंकि सुरक्षा हालात खराब होने के मद्देनजर भारत ने यह फैसला लिया था। अब जो है, जिस तरह से तालिबान के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तालिबान की बढ़त काफी तेज होती जा रही है, उससे न केवल कांधार बल्कि अब पूरे अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात काफी खराब होने के आसार लग रहे हैं। इसी के मद्देनजर कांधार से भारत ने अपने सभी राजनयिकों और स्टाफ को वहां से बुलाने का अचानक फैसला लिया। यह इशारा करता है कि कांधार में सुरक्षा हालात वाकई में इतने खराब हो चुके हैं कि कांधार, जो अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उस पर तालिबान का कब्जा जल्दी कायम हो सकता है। जी, वो ये वही जगह है कंधार की हम बात करें जहाँ इंडियन एयरलाइंस का जहाज अगवा करके ले जाया गया था, और उस समय भी वहां तालिबान का कब्जा था। और अपने यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत को 3 खूंखार आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। तो कंधार का बहुत ही स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। जी, कांधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कांधार की सामरिक अहमियत इस मायने में है कि यहाँ से मध्य एशिया की ओर जो सड़क जाती है, उस सड़क को भारत ने बना करके अफगानिस्तान को भेंट किया है। जरांज और डेलाराम हाईवे के नाम से 220 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण भारत ने अपने खर्चे से करवाया है। तो कंधार से आगे जा करके मध्य एशिया को जोड़ने वाली यह सड़क भारत के लिए काफी अहमियत रखती थी, क्योंकि भारत की रणनीति यह थी कि अफगानिस्तान में इस सड़क के जरिए मध्य एशिया के साथ भारत के व्यावसायिक और राजनयिक संबंध गहरे किए जाएं। तो इस नाते कंधार की अहमियत भारत के लिए काफी अधिक थी। जी, तो और जिस तरह हम बात करें भारत के लिए, अफगानिस्तान में जो तालिबान लड़ाकों का लगातार आगे बढ़ते जाना कितनी बड़ी चिंता की बात है। भारत के लिए बड़ी चिंता की बात इसलिए है कि वहां पर जो अफगानिस्तान में जो जनतांत्रिक सरकार है, उसे जल्दी सत्ता त्यागनी पड़ेगी। उसके बदले जो खूंखार आतंकवादियों से लैस जो संगठन है तालिबान, उसका शासन पर कब्जा होगा, जो स्वाभाविक तौर पर भारत विरोधी होगा। तो यह भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है कि भारत ने वहां पर अब तक जो $3 अरब के निवेश किए हैं, अफगानिस्तान के सामाजिक और आर्थिक विकास में जो महत्व अहम योगदान दिया है, भारत के जो सैकड़ों कर्मचारी वहां पर इन प्रोजेक्टों को लागू कर रहे हैं, उनके लिए खतरे की स्थिति पैदा हो जाएगी। भारत को जो विकास कार्य वहां पर भारत ने चला रखे हैं, उन्हें रोकना पड़ेगा, और भारत के जो सभी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर आंच आएगी। भारतीयों को वहां से शायद छोड़ करके स्वदेश लौटना पड़े। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच पिछले 20 सालों में जो रिश्ते इस तरह विकसित हो रहे थे, उस पर गहरी आंच आएगी। जी, और भारत ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में काफी राजनीतिक और आर्थिक निवेश किया है, बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। लेकिन अगर हम दोहा टॉक्स की बात करें तो अफगानिस्तान के राजनीतिक भविष्य को लेकर होने वाली बातचीत में क्यों नजरअंदाज किया गया भारत? देखिए, अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक वक्त था जब उसे हाशिए पर डाल दिया गया था, लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान की अहमियत बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान ने जिस तरह से तालिबान को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, उसी के अनुरूप पाकिस्तान की अहमियत भी काफी बढ़ गई है। अब अफगानिस्तान में जो हालात बन चुके हैं, उस उन उन, उन, उन मसलों के हल के लिए पाकिस्तान की
सहयोगी भूमिका बहुत अहम हो गई है। पाकिस्तान को साथ लिए बिना अफगानिस्तान की जो हालात है उनमें सुधार नहीं लाने की का आकलन जो विदेशी पर्यवेक्षक कर रहे हैं कि पाकिस्तान को साथ लेकर के चलना होगा, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शर्त यह रही है कि अफगानिस्तान के दायरे से भारत को बाहर किया जाए, अफगानिस्तान के जी सभी गतिविधियों से भारत को बाहर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का आरोप रहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में 4 कॉन्सुलेट खोल करके पाकिस्तान विरोधी जासूसी गतिविधियों का अड्डा बना रखा है। तो पाकिस्तान ने इन्हीं आरोपों की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर यह दबाव डाला कि भारत वहां पर नाजायज हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान विरोधी हरकतें कर रहा है और भारत को ये सब हरकतें रोकनी होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जो अमेरिका के नेतृत्व में वहां पर तैनात है, पाकिस्तान की मांगों के समक्ष झुकना पड़ा और वहां की जो शांति वार्ताएं चल रही हैं, जो सुलह वार्ताएं चल रही हैं, उससे भारत को किनारे करने पर का फैसला अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेना पड़ा। जी, तो भारत के पास अफगानिस्तान में क्या ऑप्शन है? क्या पहले की तरह नॉर्दर्न अलायंस या खासकर हजारा समुदाय को खड़ा कर पाएंगे? देखिए, आज के जो मौजूदा हालात हैं उनमें भारत के पास बहुत ही सीमित विकल्प हैं। जब नॉर्दर्न अलायंस को खड़ा किया गया था तब ईरान और रूस का सहयोग मिला था। भारत, ईरान और रूस ने साथ मिलकर के नॉर्दर्न अलायंस को ताकत प्रदान की थी ताकि वो तालिबान को काबुल की सत्ता से उखाड़ फेंके। नॉर्दर्न अलायंस अहमद शाह मसूद और अब्दुल रसीम दोस्तम के नेतृत्व में काफी लोकप्रिय हो चुका था और इसकी सेना काफी आगे बढ़ रही थी कि उसी दौरान 2001 में जब अलकायदा ने अमेरिका के वाशिंगटन और न्यूयॉर्क शहरों पर भीषण आतंकवादी हमले किए और उसके जवाब में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान के अलकायदा के सभी आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया, जिसमें तालिबान के ठिकाने भी शामिल थे, तो उसके बाद से तालिबान की सत्ता को काबुल से उखाड़ फेंका गया और वहां पर नॉर्दर्न अलायंस की सेना वहां पर काबिज हो सकी। उसके बाद ही वहां अफगानिस्तान में हामिद करजाई के नेतृत्व में एक जनतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, जिसने जनतांत्रिक तरीके से अफगानिस्तान का शासन किया और एक अफगानिस्तान में एक स्थिरता प्रदान की। वही स्थिरता अब खत्म होने जा रही है। भारत के लिए चिंता की बात यही है कि वहां पर जनतांत्रिक सरकार के चले जाने के बाद एक इस्लामी शरीयत कानून वाले एक सरकार स्थापित होगी जो कि महिलाओं की आजादी छीनेगी, महिलाओं की और पुरुषों की समानता जो देखी गई थी हाल के 20 सालों में वह समाप्त हो जाएगी। तो अफगानिस्तान के जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा पिछले 20 सालों में खड़ा हुआ था वो पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा। जी, तो अफगानिस्तान से जैसे जैसे अमेरिका वापस लौट रहा है, अफगानिस्तान फिर से अराजकता की तरफ लौटता दिख रहा है। तालिबान और दूसरे आतंकवादी संगठन सक्रिय हो रहे हैं। क्या ये अमेरिका की नाकामी और हार नहीं है, और क्या इसका कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा ये? देखिए, अमेरिकी नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, यह कहना बहुत सही होगा कि आतंकवाद के आगे अमेरिका ने अपने सिर नतमस्तक कर दिए और अमेरिका पूरी तरह झुक करके तालिबान से डर गया और अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर हुआ। अमेरिका ने 20 सालों में $3 ट्रिलियन से अधिक के निवेश अफगानिस्तान पर किए, अफगानिस्तान को सैनिक और आर्थिक मदद दी, लेकिन इतना सब करने के बावजूद अमेरिका आज तालिबान से डर करके, तालिबान के सामने आत्मसमर्पण करके एक तरह से स्वदेश लौट रहा है। तो अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं वो अफगानिस्तान में गृहयुद्ध के हालात पैदा करने के मौका प्रदान कर रहे हैं। अफगानिस्तान के काबुल शहर में, हालांकि अफगानिस्तान की जो नेशनल आर्मी है, अफगानिस्तान नेशनल आर्मी, उसकी सेना वहां पर मौजूद है और अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के लड़ाकों के बीच भीषण गृहयुद्ध छिड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। तो वहां के हालात वाकई में बहुत चिंताजनक हैं और भारत इन सारी स्थितियों पर निगाह रखे हुए है। इसी के अनुरूप भारत ने कंधार से अपने स्टाफ वापस बुलाए हैं। जी, तो जिस तरह आपने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा हुआ दिखता है, तो
चाहे दक्षिण एशिया की बात करें, मध्य एशिया की बात करें, तो इनकी जियो पॉलिटिक्स में क्या ऐसे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? और अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो दुनिया भर के बीच में कैसा देश अफगानिस्तान, वहाँ की स्थिति, और खास तौर पे अगर भारत की बात करें तो इसका जियो पॉलिटिक्स किस तरह से इसमें बदलाव आएगा और इसके क्या गंभीर परिणाम होते दिख रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान शुरू से ग्रेट गेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अफगानिस्तान को फोकस कंट्री के तौर पर ग्रेट गेम का एक केंद्र बनाया गया है, और पहले इस ग्रेट गेम में अमेरिका और यूरोपीय देश नाटो की सेना के साथ साथ थे। लेकिन जिस गेम में अमेरिका खेल रहा हो, जिस गेम में अमेरिका खड़ा हो, तो स्वाभाविक है कि विरोधी खेमे के तहत रूस और चीन खड़े हो जाएंगे। तो रूस और चीन बनाम अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो ग्रेट गेम खेला है, उसका नुकसान अफगानिस्तान की आम जनता को हुआ है, उसका खामियाजा अफगानिस्तान को भुगतना पड़ा है। अब ग्रेट गेम की स्थिति जो जो पासा है वो पलटता हुआ जा रहा है। इसमें पाकिस्तान की भूमिका अहम हो गई है। पाकिस्तान को पहले गौण कर दिया गया था, हाशिए पर डाल दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका अब केंद्रीय भूमिका में आ गई। पाकिस्तान केंद्रीय भूमिका में आ गया है। पाकिस्तान के साथ सबसे पाकिस्तान की पीठ पर हाथ चीन का है, और चीन इस मौके के अनुरूप पूरे अफगानिस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। देखिए, चीन की रणनीति यह है कि अफगानिस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर वह मध्य एशिया में और पश्चिम एशिया में अपने सामरिक प्रभाव का विस्तार कर सके। तो ये जो जियो पॉलिटिकल गेम, भू राजनीतिक खेल चल रहा है, इसमें चीन हाथ मारता हुआ नजर आ रहा है। जी, और अफगानिस्तान में यदि तालिबान का प्रभाव बढ़ता है तो क्या कश्मीर में भी हालात प्रभावित होंगे? देखिए, पिछली बार जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, तब जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान से कई लड़ाके आतंकवादी गतिविधियों के लिए भेजे जाते थे। लेकिन जब से तालिबान की सरकार अफगानिस्तान से गिराई गई, जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान से लड़ाके आने बंद हो गए। अब फिर यही आशंका जताई जा रही है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार फिर से बन जाएगी, तो पाकिस्तान स्थित जो आतंकवादी संगठन है, लश्कर ए तैयबा हैं, जैश ए मोहम्मद हैं, उन्हें पाकिस्तान में से हट करके अफगानिस्तान में अपने अड्डे बनाने में सहूलियत होगी, वहां पर अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देने में आसानी होगी, और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, उसे भी यह सहूलियत होगी कि वह आतंकवादियों को ट्रेनिंग अपनी धरती पर न दे करके अफगानिस्तान की धरती पर ट्रेनिंग दे, ताकि वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए आरोपों से बच सके कि वह आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है। तो भारत की चिंता यही है कि अफगानिस्तान से जो लड़ाके भारत भेजे जाएंगे, वह पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षित होंगे, और भारत आकर के जम्मू कश्मीर में जो अब तक शांति और स्थिरता का माहौल विकसित करने में भारत सरकार को कामयाबी मिली थी, उसे वो भंग करने की कोशिश करेंगे। जी, इस पूरे घटनाक्रम में ईरान भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ी जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से लगता है ईरान का, तो और हाल ही में इसमें आपको क्या लगता है कि ईरान का क्या रुख रहेगा? और हाल ही में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान यात्रा को अफगानिस्तान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। देखिए, अफगानिस्तान में जो तालिबान के लोग हैं वो सुन्नी बहुल समुदाय के हैं। ईरान में शिया लोगों की सरकार है, तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में सुन्नी बहुमत वाले तालिबान के लोग सरकार बनाए और फिर अगर ईरान के लिए समस्या पैदा करें, क्योंकि शिया और सुन्नी समुदायों के बीच लंबा विवाद चलता रहा है, उनके बीच सदियों से विवाद चलता रहा है, और ईरान भी शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख देश है, और सुन्नी समुदाय के साथ उसकी नहीं पटती है। तो जैसे सऊदी अरब के जो सुन्नी शासक हैं और ईरान के जो शिया शासक हैं, उनके बीच आपस में गहरे मतभेद चल रहे हैं, तो इसी तरह यदि अफगानिस्तान में सुन्नी समुदाय के लोग शासन में आ जाएंगे, तो ईरान के हितों के अनुरूप नहीं होगा। ये ईरान के साथ टकराव बढ़ने की आशंका पैदा होगी। इसलिए ईरान की चिंता यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार फिर से आ जाती है, तो उसकी सीमाओं पर अस्थिरता बढ़ेगी, अफगानिस्तान से शरणार्थी भारी संख्या में
ईरान जा सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका है, तो ईरान को इन सब हालात से निपटना होगा। और अगर अफगानिस्तान में रूस की बात करें, रशिया की बात करें, तो वो भी ये दिलचस्पी लेता दिख रहा है। क्या वो भारत के साथ मिलकर या इंडिपेंडेंटली कोई बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर सकता है? देखिए, अब रूस ने तालिबान का साथ देना शुरू किया पिछले कई सालों से। रूस की वजह से ही तालिबान को का मनोबल बढ़ा, क्योंकि रूस ने तालिबान को कई तरह की मदद प्रदान की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह कहना शुरू किया कि तालिबान को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो तालिबान का इस तरह मनोबल बढ़ा करके रूस ने एक तरह से भारत के हितों पर चोट पहुंचाई है। भारत ने रूस के साथ तालिब इन इन मसलों पर गहन वार्ताएं की है। रूस को चेताया है कि तालिबान की सत्ता में फिर से वापसी रूस न केवल भारत बल्कि रूस के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन रूस का हमेशा यह कहना रहा है कि रूस में अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का उदय रोकने के लिए उसने तालिबान को मदद प्रदान की है। तो तालिबान रूस जो है एक अमेरिका विरोधी तालिबान और अमेरिका विरोधी आईएसआई गुट के खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जो और ऐसे जो समीकरण बन रहे हैं उसमें भारत और रूस के बीच कितनी साझेदारी बनेगी यह कहना मुश्किल है। तो जिस तरह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि देर सवेर चीन अफगानिस्तान में एक मजबूत प्लेयर बन सकता है, और ये भी मानकर चला जा रहा है कि भविष्य में अफगानिस्तान में चीन की भूमिका बड़ी हो सकती है, तो ऐसे में भारत की क्या नीति होनी चाहिए, भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और भारत को किस तरह के से तैयार रहना चाहिए पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? देखिए, भारत के लिए बहुत ही अनिश्चय की स्थिति है। भारत वहां क्या कर सकता है? भारत ने अब तक अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया है अफगानिस्तान के विकास में। भारत ने अफगानिस्तान के साथ तालमेल बनाने के लिए कभी हार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं किया। हार्ड पावर मतलब सैनिक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अफगानिस्तान के हालात ऐसे हैं कि भारत कभी वहां अपनी सेना नहीं भेज सकता। वहां पर सेना भेज करके अमेरिका जैसी ताकतों ने देख लिया है कि क्या नतीजे भुगतने हो सकते हैं। तो भारत कभी वहां पर अपनी सेना भेजने के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन जो सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल के जरिए भारत ने वहां पर अपनी पैठ बनाई है, भारत ने जो लोकप्रियता हासिल की है और भारत जिस तरह से वहां पर अपने पांव जमा चुका है तालिबान द्वारा वहां पर शासन फिर से संभालने के बाद, भारत के लिए फिर मुश्किलें होंगी कि भारत अपने पांव वहां पर किस तरह से जल्दी से जल्दी हटा सके, भारत ताकि अपने इसको सुरक्षित रख सके, सुरक्षित वापस ला सके, ताकि तालिबान के जो खूंखार आतंकवादी हैं उनके हमलों से बच सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत कुमार जी, अफगानिस्तान में इस डेवलपमेंट पर चर्चा करने के लिए, किस तरह से जो तालिबानी है वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो इस पूरे घटनाक्रम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में जो जियो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से बदलने वाली है, और इसमें चीन की क्या भूमिका हो सकती है और कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है इस पूरे घटनाक्रम में, और पाकिस्तान पर और रशिया पर विस्तार से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।